नमस्कार साथियों, आज हमारा कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण हमने हाइड्रोकार्बन तक कर लिया था, उसके बाद आज हमारा जो नॉमन क्लचर का जो वीडियो रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से अपन हाइड्रोकार्बन युत्पन्न यानी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का अपन नॉमन क्लचर करेंगे। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव अपन दो तरह से नॉमन क्लचर करते हैं। पहले तो यह बता दो, डेरिवेटिव किसे कहते हैं। मान लो ये एक CH4 है, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये CH3 बन गया, इसे हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के अंदर अपन सिस्टम ए और सिस्टम बी, यानी कि सिस्टम ए के अंदर अपन मूलक का रेडिकल का नॉमन क्लचर करते हैं और सिस्टम बी के अंदर अपन एसिड का नॉमन क्लचर करते हैं। ठीक है, सिस्टम ए के अंदर अपन कॉमन नेम लिखने का ये हमारा पैटर्न है। पूर्व लगन यानी कि प्रफिक्स, अनुलगन यानी कि सफिक्स। प्रफिक्स के तौर पर अपन एल्किल ग्रुप का यूज करते हैं। एल्किल यानी एएलके क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन। और YL इसकी क्या लगेगा? पीछे लगेगा। और फंक्शनल ग्रुप पर अपन जो और फंक्शनल ग्रुप है उनको यहाँ पर अपन यूज करते हैं। तो पहले पूर्व लगन का नामकरण कर देंगे, उसके बाद अनुलगन का अपन नामकरण करेंगे। यही अपन अम्ल का नामकरण करने के लिए थोड़ा फॉर्मेट अलग है, इसके लिए कॉमन नेम लिखने के लिए हमें परफिक्स चाहिए। परफिक्स के तौर पर अपन कार्बन की संख्या का यूज करते हैं। और कार्बन की संख्या में बताऊं, एक कार्बन को बड़ा देता है फॉर्म दो के लिए एक, तीन के लिए प्रोपियम, चार के लिए ब्यूटेन, पांच के लिए वैलिन। ठीक है, और यहाँ पर अनुलगन के तौर पर अपन करते हैं यूज फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर अपन फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम और IUPAC नॉमन क्लचर, जब हम इसी एसिड का कॉमन नेम लिखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप ये यूज करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इस सफिक्स को यूज करते हैं और IUPAC नेम लिखने पर ये यूज करते हैं। तो देखो एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड यहाँ पर करते हैं एल। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक एसिड, यहाँ पर ओइक एसिड है। ठीक है, ओइक एसिड एनहाइड्राइड के लिए एक एनहाइड्राइड, यहाँ पर ओइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से ये है सारे, आप इसका एसिड नोट लेकर अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो अपन कुछ एग्जांपल के तौर पर करते हैं मूलक यानी कि अम्ल का नामकरण। वैसे देखो दोस्तों, मैं इस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के ऊपर पहले वीडियो बना दिया था, लेकिन किसी कारणवश गलती से वीडियो वो डिलीट हो गया था और बाद में वो वीडियो रिकवर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो वीडियो ज्यादा MB का था। तो ये वीडियो एक बार फिर से बना रहा हूं मैं इसका। तो देखो अम्ल मूलक का नामकरण के लिए हमें जो RH एलिफेटिक चेन है उस चेन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो हो जाएगा मोनोरेडिकल। यदि उसमें दो हाइड्रोजन कम करते हैं तो बाई रेडिकल, यदि उसमें से तीन हाइड्रोजन कम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राई रेडिकल। इस प्रकार से अपन उसका नामकरण करते हैं। तो देखते हैं मूलक का नामकरण कैसे करते हैं। अपन आज का ये वीडियो मोनोरेडिकल के बेस पर रहेगा और दूसरा वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो है बाई रेडिकल और ट्राई रेडिकल के लिए। ठीक, तो देखो ये हमारी एक एलिफेटिक चेन है RH, यदि इसमें से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? मोनोरेडिकल। ये इसको बोलते अपन एल्किल ग्रुप, एल्किल। यदि इसमें से एक और हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये बाई रेडिकल, यदि इसमें से एक और कम कर दूं तो ये ट्राई रेडिकल हो जाएगा, ट्राई रेडिकल। तो देखो मोनोरेडिकल के अपन कुछ एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल का पैटर्न वही रहेगा, दो तीन एग्जांपल करके दिखा देते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करके। ठीक है, तो देखो CH4 है,
यदि इसमें से मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो ये CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या, एक कार्बन है तो मिथ एल पी नंबर ऑफ कार्बन और वाई एल तो क्या नाम आ जाएगा इसका, मेथिल, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही लगा हुआ नहीं। यदि इसके बीच फंक्शनल ग्रुप लगा दो तो फंक्शनल ग्रुप का नाम इसके पीछे आ जाएगा। फिर देखो ये फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए। मूलक का अपर आयु, मूलक का अपर जब कॉमन नेम लिखते हैं तो पूर्व लगन के तौर पर अपन किसका यूज करते हैं, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप में ए एल के क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, और वाई एल है जो इसके पीछे लगेगा। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप उसका अपन नाम लिखेंगे। इस प्रकार ये नंबर ऑफ कार्बन, ए कार्बन तो मिथ और वाई एल इसके पीछे लगे हैं। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका नाम भी यहाँ पर पीछे लग जाता है। ठीक है, एक दो जो और देख लेते हैं। CH3 एक हाइड्रोजन कम करेंगे, CH3CH2 मैथ एथ वाई एल इसके पीछे लगे एथिल, क्या हो गया एथिल। एक हाइड्रोजन कम कर दो उसकी दो कंडीशन हो जाएगी। दो कंडीशन कैसे, पहली कंडीशन तो ये एक लंबी ऐसा की चेन है, एलिफेटिक चेन है कार्बन की, ठीक है, ओपन चेन है, इसलिए इसके पीछे आगे लग जाएगा एन मेथ एथ प्रोप, एन प्रोपाइल, एन प्रोपेन, एन प्रोपेन। इसी तरह ये एक आइसोचेन में बन सकती है, आइसोचेन इस प्रकार। इधर ऊपर लिख दूंगा दिखने आ रहे थे CH3 इस प्रकार से। इसका नाम क्या होगा, जब ऐसी कंडीशन आए यानी कि सेकेंडरी कार्बन ऊपर दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए तो यूज करते हैं आइसो, आइसो प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। इस तरीके से ये कुछ एग्जांपल है जिनको आप ध्यान में रखना है। एक दो एग्जांपल और करवा देते हैं। देखो साथियों, ठीक है, इस तरीके से कुछ एग्जांपल है और एग्जाम्पल अपन करते हैं कुछ, ठीक है। कंपाउंड का अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं। जब मोनो रेडिकल है उनके ऊपर यदि हम फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हैं तो उसका किस प्रकार से नॉमेनक्लेचर होता है तो देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल है उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं आपके सामने। यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं मेथ, क्या करते हैं मेथ, मेथ। और इसके पीछे क्या लगेगा वाई एल, पता है ना, वो तो आपको नहीं पता है, एक बार और देख लो। एल नंबर ऑफ कार्बन प्लस वाई एल प्लस फंक्शनल ग्रुप, ये इसका पैटर्न है। तो देखो मेथ वाई एल, एल नंबर ऑफ कार्बन, मेथिल अभी क्या लगेगा, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है OH, OH को क्या बोलते हैं एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल। इसका दो है तो एथ वाई एल, एथिल क्लोराइड, क्लियर। इसका मैथ एथ प्रोप, प्रोपिल, प्रोपिल साइनाइड, प्रोपिल साइनाइड, सीएन क्या है साइनाइड, ठीक है। इसका देखो सेकेंडरी कार्बन के ऊपर एक कौन सा जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ब्रोमाइड, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो सेकेंडरी मेथ एथ प्रोप, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका देख लो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप, ये
इथर, ये आ जाए तो थीटा इथर, ये इथर है, इसके दोनों और कौन से ग्रुप जुड़ा है, मेथिल ग्रुप, तो क्या होगा इसका नाम, इसका कॉमन नेम ये इस तरह का डाई मेथिल, दो है ना, तो डाई मेथिल इथर, डाई मेथिल इथर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोनों, ये और ये, यहां पर हमें थोड़ा अलग नजर आता है एकदम, देखो ये कौन सा ग्रुप है, एथिल, ये मेथिल, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन। तो देखो एबीसीडी के अंदर कौन सा अक्षर पहला आता है अल्फाबेट के अंदर, ये पहला आता है, तो पहले अपन इसका नाम लिखेंगे, इसका क्या नाम है, एथिल, उसके बाद एम का, एथिल मेथिल, एथिल मेथिल कीटोन, फंक्शनल ग्रुप ये कीटोन है, यदि यहां पर एच जुड़ जाता है तो एल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है, एथिल मेथिल कीटोन, इसको देख लो कंडीशन कौन सी है, थर्ड डिग्री कार्बन है, क्योंकि थर्ड डिग्री कार्बन को OH ग्रुप जुड़ा है, तो मेथ एट प्रोप ब्यूट, तो टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल कॉमन नेम है, किधर आगे देख, इसको देख लेते हैं, मेथ एट प्रोप ब्यूट पेंट, यहां पर एक वर्ड यूज कर रहा हूं नियो, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन के ऊपर दो मेथिल ग्रुप है, दो या दो से ज्यादा मेथिल ग्रुप जुड़े हुए, ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो तो ठीक है, तो देखो नियो पेंट वाई एल, नियो पेंटिल क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड, तो ये थे फंक्शनल ग्रुप जोड़ने पर मोनोरेडिकल का नॉमनक्लेचर है। यदि आपको कह दिया जाए कि कंपाउंड दे दिया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया गया है और उसका मोनोरेडिकल बनाओ, उसके बाद उसका नॉमनक्लेचर करो, तो उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। यदि आपको इस प्रकार ये एग्जांपल दे दिया, एग्जाम आ गया कि ये कंपाउंड है, ये मोनोरेडिकल कंपाउंड है, इसका नॉमनक्लेचर करो, इसका नॉमनक्लेचर इस प्रकार करोगे नियो पेंटिल क्लोराइड, क्लियर। तो देखो इसके बाद का वीडियो अपन बाई रेडिकल और ट्राई रेडिकल के बारे में बताएंगे, जो कि उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है, ओके, वीडियो देखते रहे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।